उसमें पहले ही इम्यूनिटी नहीं थी कि नई बीमारी लगे उसको, उसको पहले ही बहुत सारी बीमारियां जो है लाहक थीं। अब अल्लाह ताला ने को क्या मंजूर है, गैब का इल्म तो उसके पास ही है कि ये कोरोना जो है ये हमारा क्या हाल करेगी, हमारी इकोनॉमी का अगर उसमें कुछ दो सांस बाकी थे तो कहीं वो भी ना जाते रहे। और इस क्राइसिस के दौरान बार बार दूसरी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जेंस पैदा हो सकें, जरूर करें। इस क्राइसिस के दौरान भी जो है गिरफ्तारियां जारी रहीं, नैब को, एफआईए को, एंटी करप्शन और तमाम अदारों को जो है अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल उसका आज भी जारी है। मीर शकीरुर रहमान आज भी कैद है, हमजा शहबाज शरीफ आज भी सबसे लंबी कैद काटने वाला हमारा सियासी कैदी है, हमारा भाई खुर्शीद शाह आज भी कैद है। इतिहाद की बात करते हैं जनाब वजीर खारजा, कहते हैं कि ये नेशनल इशू है, नेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, कौमी सोच होनी चाहिए। ये कौमी सोच है कि सारे लोग जो हैं वो मशक़े सितम बनाए जाते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है या हम हैं, हाजी नमाजी से सारे इधर बैठे थे, जनाब वाला अगर इनका कोई केस निकला है तो उसकी एक्सटेंशनें शुरू हो जाती हैं, तीन हफ्ते आगे कर दो। हमारा जो है वो कहीं ख्वाब में भी किसी को कुछ नजर आ जाए तो जनाब कहीं ना कहीं किसी महकमे के आगे पेशी हो जाती है, कहीं एफआईए, कहीं नैब, कहीं एंटी क्रप, उसके आगे पेशी होती है। यहां पर रिपोर्ट सामने मौजूद है, कैसी कौमी सोच की बात कर रहे हैं जनाब वजीर खारजा, कहां पे कौम को इकट्ठा किया है वजीर आजम ने, उनकी मुंतकिम मिजाजी, उनके बदले की हवस, किस बात का बदला, उनका कीना, ये मोहब्बतों का वक्त है, मोहब्बतों का वक्त है, कौम को इकट्ठा रखने का वक्त है, बका की जंग लड़ रही है कौम इस वक्त, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई महकमा नहीं है। आज भी सेहत का महकमा जो है यहां पे एक बैठा हुआ एमएनए जो है पीटीआई का वो रिप्रेजेंट कर सकता था, मिर्जा साहब को वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। इस हाउस में 342 मेंबर हैं, एक भी ना नजर आया उनको जो वजीर सेहत बन सकता है। ये इतना तही दामन है ये ऐवान कि यहां पे बंदे जो है इंपोर्ट किए जाते हैं और हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। मैं निहायत अदब से कहूंगा, निहायत अदब से कहूंगा, बाबर अवान साहब हैं यहां बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट्री वजीर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर हैं, मेंबर नहीं है। ओ यार इतने लोग हैं, वो एक खिलजी का नारेबाजी ना लगा रहे हैं, मेरे परखुदार खिलजी की जो है उसकी सुनी गई है, वो मेरी हमसाई जो है सियालकोट वापस चली गई है, उसको वजीर बना दिया गया है। ख्वाजा साहब कोरोना पे अगर आप बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा, आप लोगों ने खुद ये फैसला किया कमेटी में। सर ये कोरोना ही है, असेंबली को कोरोना लगा हुआ है। सर ये देखे पीटीवी ने जो है शाहमूद साहब के बाद जो है तकरीर मेरी बंद कर दी है, और प्राइवेट चैनल जो है वो सिग्नल जो है वो नहीं ले सकते। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है।
नारेबाजी ना करें, कोरोना के और से सुने। वो कोरोना के ऊपर तोता कहानी सिर्फ सुनने के लिए जो है वो पीटीवी चलाया गया है।